देखिए तेजस्वी जी ने ये तो जरूर कह दिया कि उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि कितने किनके भाई बहन हैं। उन्होंने अब देखिए राजनीति को कोई पारिवारिक खेती समझ लेगा तो यही होगा। मोदी जी का डेटा निकाला, नीतीश कुमार जी का डेटा निकाला और पता नहीं किनका किनका डेटा निकाला, तो उन्हें ये क्यों नहीं सार्वजनिक किया कि किनके भाई बहन कहाँ कहाँ पदस्थापित है राजनीति में। कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम चंदन झा, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, 40 सीटों पर कई तरह के वाद विवाद आ रहे हैं। सबसे अभी बड़ी बात, नीतीश जी ने कहा जो लालू जी को इतने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, उस पर जवाब देते हुए तेजस्वी जी ने पूरी एक तरह से हिस्ट्री रख दी जो किसके कितने भाई बहन थे, अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लेकर के नीतीश कुमार तक के परिवार के बारे में कहा, जो ये लोग भी 5-6-7 भाई बहन लोग हैं। आइए उसी के बारे में जानते हैं जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा जी, तेजस्वी जी का भी बयान आया है जो केवल मेरे ही परिवार नहीं, बहुत सारे जेडीयू बीजेपी के भी नेता लोग हैं जिनके काफ़ी सारे भाई बहन बाल बच्चे हैं, इस पर आप लोगों का। देखिए तेजस्वी जी ने ये तो जरूर कह दिया कि उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि कितने किनके भाई बहन हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं सार्वजनिक किया कि किनके भाई बहन कहाँ कहाँ पदस्थापित हैं राजनीति में। उन्हें यह भी दिखाना चाहिए, उन्हें यह भी आंकड़ा पेश करना चाहिए कि जिस तरह से लालू जी एंड रावड़ी जी ने अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित किया, उस तरह से किनके, उन्होंने मोदी जी का डेटा निकाला, नीतीश कुमार जी का डेटा निकाला और पता नहीं किनका किनका डेटा निकाला, तो ये भी आंकड़ा बता देते ना कि किनके कौन किनका कौन भाई बहन कहाँ राजनीति में काबिज है, ये भी आंकड़ा बताना चाहिए ना उनको। लेकिन राजनीति में अब मतलब बयानबाजी का स्तर अब परिवार तक पहुंच गया है, नहीं लगता है जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है बयानबाजी का। अब देखिए राजनीति को कोई पारिवारिक खेती समझ लेगा तो यही होगा ना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे देश में, पूरे देश को यानी देश में बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। उन्होंने राजनीति नहीं की बल्कि राजनीति में अपने परिवार को कैसे स्थापित करें, कैसे काबिज करें, उन्होंने ये काम किया, तो निश्चित रूप से परिवार पर तो बात आएगी क्योंकि आपने अपने परिवार को, परिवार के सिवा राजनीति में कुछ नहीं किया। राजनीति में नेता चुन करके, जनता चुन करके उन्हें सदन तक भेजती है इसलिए कि भाई पब्लिक के मुद्दों पर, जो भी जनहित के मुद्दे हैं या फिर जनता की जो समस्या है, आप उसके लिए काम करें। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने कौन सा ऐसा काम किया, उन्होंने बिहार में इतने वर्षों तक राज किया लेकिन एक भी उपलब्धि बता दें कि उन्होंने परिवार को बढ़ाने के अलावा कौन सा काम किया बिहार की जनता के हित में। एक बयान कल से एक और हो रहा है, वायरल हो रहा है, जो तेजस्वी ने कहा जो इंडिया नहीं तो एनडीए को वोट दो लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दो, तो अब तेजस्वी भी लगता है एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। इस बयान को किस मायने में जेडीयू देख रही है? देखिए सबसे पहले तो जेडीयू तेजस्वी जी को धन्यवाद देती है कि कम से कम उन्हें ये तो समझ आया कि एनडीए ही वो चीज़ है, एनडीए ही वो शक्ति है जो कि पूरे देश में लोगों के लिए काम कर सकती है। एनडीए का जो एजेंडा है देश के लिए है, देशवासियों के लिए है। तो अब सच्चाई तो आज न कल मुंह से निकल ही जाना है, तो उनके मुंह से मंच पर निकल गया कि आप इंडिया नहीं तो एनडीए को वो, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया बैकफुट पर है, इंडिया जीतने नहीं जा रही है, तो भाई कम से कम एनडीए को वोट कर दो, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी हैं, वो सदन में जनता के लिए काम करेंगे। हमारा दल या फिर एनडीए के प्रत्याशी वो कोई भी ऐसा नहीं है जो परिवारवाद से निकला हुआ है। लेकिन फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद आरजेडी बहुत गदगद है, वो कह रही है जो हम 100% सीट पर जीतने जा रहे हैं। अरे भाई तो चेहरे से खुशी तो दिखाएंगे ना, क्या रोएंगे सबके सामने? आगे और भी तो 3 चरण का चुनाव है, तो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। कौन सा एजेंडा उनके पास है? जनता उनको वोट कर रही है, गलतफहमी में है। आने दीजिए, 4 जून को सब स्पष्ट हो जाएगा। ये थी जेडीयू की प्रवक्ता, कई सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात बेबाक बात रखी। आप देख रहे थे भारत लाइव, देखते रहिए भारत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।